बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीम राणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, एससी एसटी एनटी एससी एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन, नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी तो अब आपको मिलेगी। कोटा की स्पेशल फैकल्टी जीपीएस स्कूल में, आरआईएमसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनो रोड भगवाड़ी बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का। इन मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड विधायक बलजीत यादव बहरोड नगरपालिका पहुंचे, जहां पर विभिन्न वार्डों में जाकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान वार्ड वासियों ने विधायक बलजीत यादव को अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जहां पर विधायक ने अधिकतर समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही करवाया और विभागीय अधिकारियों को बाकी बची समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने कहा कि बहरोड की न्यायप्रिय जनता की बदौलत ही मैं विधायक बना हूं, उनकी सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भरतरी रोड बहरोड, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नौदय व ओलंपियाड, मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, आईआईटी नीट के अलग से बैच प्रारंभ, आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। फैसला आपके हाथ। तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर जेईई, एनईईटी, एनडीए, एनटीएसई, एसटीएससी, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, टीपीएस पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। बहरोड कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव अपने जन्मदिवस के अवसर पर कूड़ी आश्रम गौशाला कांकरा मोहम्मदपुर पहुंचे, जहां पर गायों को गुड़ एवं दलिया खिलाया। इस दौरान बस्तीराम यादव ने बताया कि प्रत्येक लोगों को अपने जन्मदिवस के अवसर पर सामाजिक कार्य एवं सामाजिक सरोकार को साबित करने वाले कार्य करने चाहिए, ताकि जन्मदिवस के अवसर पर लोगों का भला हो सके और एक अच्छा संदेश समाज में जाए। वहीं कूड़ी आश्रम गौशाला के पदाधिकारियों व स्थानीय लोगों ने बस्तीराम यादव का फूलमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत कर जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, गौशाला के कमेटी को, मेरे मित्र मंडली को, कि आप लोगों ने मेरे जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। मैं मेरे जन्मदिवस पर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में इलाके में शांति हो, इलाका अपराध मुक्त हो, आपस में भाईचारा हो, गौ माताओं की सेवा हो और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के अनुकूल हम सबको अपने जीवन में अंगीकृत करना चाहिए कि बहन बेटी की इज्जत हो इलाके में और इलाके में विकास के नए आयाम पैदा हों। हम यहाँ पर पंचायत समिति में प्रधान के रूप में काम करने का जनता ने आशीर्वाद दिया है, मौका दिया है। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इलाके में अपील करना चाहूँगा कि आज इलाके में बहुत भय का वातावरण बना हुआ है, अपराध का साया है, भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है, बहन भाई जी की इज्जत लूटती जा रही है। मैं चाहता हूं कि
हम सब मिलकर के आपस में पार्टीबाजी भुला करके, भेदभाव भुला करके, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर के आपस में सद्भाव कायम करने का संकल्प लें। और मैं मेरे जन्मदिवस पर नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों की तरफ बढ़ने का काम करें। माँ बेटी, बहन बेटी की इज्जत हो, पढ़ाई के लिए अग्रसर हों, खेलों की भावना पैदा हो और नौजवानों में वो गौओं के प्रति सेवा की भावना पैदा हो और वृक्षारोपण और रक्तदान को अपने जीवन शैली में, कार्यशैली में ढालने का काम करें। क्योंकि इलाके में, देश में, प्रदेश में, दुनिया में आज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण विकास होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में महामारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो उन महामारियों से निजात पाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि वृक्षारोपण को जीवन में आत्मसात करें ताकि ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पर कमी नहीं आए और ब्लड डोनेशन शिविरों को सफल करने का काम करें ताकि जीवन दान लोगों को मिल सके। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव, संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद जन जन का प्रेमी, आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। किसानों के लिए लेकर आए एक अनूठा उपहार पटवारी फुहारा एजेंसी सोडावास, जहां हर प्रकार के पाइप, नोजल, बैंड एवं खेती में सिंचाई के लिए पानी की बचत और अधिक पैदावार, मिनी फुहारे सेट 70% सब्सिडी पर उपलब्ध, वाजिब दाम अन्नदाता का लाभ। अब आपकी फसल भी लहराएगी और किसान बनेगा समृद्ध। आज ही संपर्क करें प्रोप्राइटर प्रेम प्रकाश पटवारी, नासरपुर वाले। किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। निमराना के गांव श्रियाणी में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में विशाल भंडारे में कुश्ती कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व प्रधान बलवान सिंह यादव। इस दौरान पूर्व प्रधान बलवान सिंह यादव ने हनुमान जी महाराज के दरबार पर धोक लगाकर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कुश्ती मेले में पधारे सभी पहलवानों के साथ भेंट की और बलवान सिंह यादव ने सभी ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा गाँव के लिए विकास कार्य किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद गाँव में इंटरलॉकिंग टाइल्स वे शिविर लाइन के लिए 10 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इस अवसर पर श्रियाणी सरपंच उमाशंकर यादव, अजीत यादव, पंचायत समिति सदस्य, वेद प्रकाश खबरी जिला पार्षद एवं मेला कमेटी के लोग मौजूद रहे। गरिमा को देख के, रात लोगों के उत्साह को देख के, मैं श्रियाणी गांव को और इस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में जो पहले भी इतना इंटरेस्ट होता था कुश्ती में, कबड्डी में, आज भी ये संख्या, ये भीड़ और आपका साथी भी तरीके से देखना इस बात का एक साक्षात्कार परिणाम है कि आप लोग बहुत ही हमारे संस्कारों को मेंटेन करने के लिए कहावत है कि भाई मेरा मेरी का, उनके धक्कम दिल्ली का, उनके पैसा दिल्ली का, तो तीनों का वादिया हो रहा है। उधर से आए तो काफी धक्कम दिल्ली, यहाँ आए तो कुश्ती हो रही है, तो कबड्डी हो रही है और इस बहाने हम 10-20 गाँव के लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातें कर लेते हैं। और मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चेहरे मुझे दिखाई देखने को, राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दुगेड़ा बहरोड। बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए, पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतरी रोड बहरोड स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां पर कोडिंग क्लासेज, अत्याधुनिक शिक्षा के लिए अटल रोबोटिक लैब, मेडिकल IIT की बेहतरीन तैयारी। कोटपुतली बहरोड जिला टॉप पर रितिका यादव पुत्री वरुण यादव 98.40, 72 विद्यार्थियों में से 18 विद्यार्थी 90% प्लस, 44 विद्यार्थी 80% प्लस ने लहराया जिले में परचम। प्रधानाचार्य रमेश कुमार सुथार, चेयरमैन वरुण कुमार यादव। MP के निम्स बाईपास पर सोमवार को दोपहर बाद एक 12 चक्का ट्रोले व टाटा 407 गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रोले के ड्राइवर व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घायल जमशेद खान ने बताया कि वह ड्राइवरी का काम करता है।
एवं 12 चक्का ट्रोला लेकर कोयम्बटूर से रेवाड़ी आ रहे थे। तभी रास्ते में करीब 2 बजे के आसपास निम्स बाईपास के पास इसको टाटा 407 गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर देने के बाद वह भाग गया, फिर स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला यह है, हम बुलेट की गाड़ी चला रहे थे और एमपी मतलब है कि रेवाड़ी आ रहे थे। रेवाड़ी रास्ते मतलब है कि गाड़ी कट से निकली, ब्रेकर आ गए, उसने इमरजेंसी ब्रेक लिया और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। श्रीमती नारायण देवी पीजी महिला महाविद्यालय कुंड रोड बहरोड बीए बीएससी एमए एमएससी शिक्षा के साथ साथ बेटियों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। मत्स्य विश्वविद्यालय से 1-7-3 गोल्ड मेडल प्राप्त, कालीबाई भील योजना में स्कूटी प्राप्त। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल गर्ल स्कूल के सामने बहरोड को एजुकेशन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक क्रिएटिव स्कूल फॉर क्रिएटिव चाइल्ड्स, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड स्टाफ, होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, माइंड एंड बॉडी बैलेंसिंग क्लासेज, फ्री डीएमआईटी एनालिसिस, नो पनिशमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेंटल एबिलिटीज थ्रू मेडिटेशन, क्रिएटिंग ए पाथ ऑफ नॉलेज। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल का एक कदम संस्कृति की ओर, क्योंकि संस्कृति ही हमारी पहचान है। आज ही अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे की बनाएं अलग पहचान। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय। अलवर शहर के नंगली सर्किल के पास स्थित स्वामी विवेकानंद स्मारक पर भारत विकास परिषद की ओर से स्वामी विवेकानंद के निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद के सदस्य दिलीप गोयल ने बताया कि 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद का निर्वाण दिवस पर भारत विकास परिषद द्वारा विवेकानंद स्मारक पर युग पुरुष का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस दौरान विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि कई वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद अलवर आए थे तो नंगली सर्किल के पास इसी स्थान पर करीब 2 महीने तक उन्होंने प्रवास किया था। यहीं पर स्वामी विवेकानंद स्मारक बनाया गया है। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष, बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट जेईई आईआईटी फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा सीकर जयपुर दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, सीबीएसई जोन गेम्स में ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेडल, सीबीएसई नेशनल में गोल्ड मेडल, आईआईटी में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड में सबसे टॉप और सिरमौर है। आज ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाई तमाम सुविधाओं से युक्त न्यू स्टेट एकेडमी। गर्मी की तपती धूप से परेशान लोगों के लिए फुल मस्ती का ठिकाना पैराडाइज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, सेफ सिक्योर कैंपस, अपोजिट ईपीआई की गेट मोहलडिया नीमराणा, रेन डांस, स्विमिंग, स्लाइड स्विमिंग, चिल्ड्रन पार्क, फैमिली के लिए अलग से वाटर पार्क। आप भी अपनी बीवी बच्चों के साथ आ जाइए मस्ती के फुल मूड में। प्रोप्राइटर लालचंद रामपुरा नाउदी वाले। अलवर शहर की शांति कुंज कॉलोनी में स्थित आचार्य श्री महावीर इंटरनेशनल चिकित्सालय में 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल चिकित्सालय का आज 49वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य पर 10 दिन तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें आज सबसे पहले चिकित्सालय में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरू केपीएस सेंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड़, प्रिंसिपल श्वेता गोड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड।
सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, नीट आईआईटी और एनडीए फाउंडेशन के बैच प्रारंभ, सैनिक नवोदय मिलिट्री और आरआईएमसी के सेपरेट बैच प्रारंभ, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम, अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Sometimes handwriting plays an important role in a student life. Always mind it is the handwriting which shows your personality to the after world. Handwriting is not very well. I feel ashamed when I see the difference between me and my friends' handwriting. Excellent hostel facility. स्कूल एमडी बल्ली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अलवर में नल फिटिंग की आड़ में घरों में करते थे रेकी, मंदिर में चोरी करने की वारदात भी कबूली, गांजे सहित 2 आरोपी एएनबी थाना पुलिस की गिरफ्त में। अलवर एएनबी थाना पुलिस ने नल फिटिंग का कार्य करने की आड़ में घरों व अन्य जगहों पर वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करने वाले, मंदिर में चोरी की वारदात में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गश्त के दौरान इनको गिरफ्तार किया है, इस दौरान 48 ग्राम गांजे के साथ एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनडीपी थाने के हेड कांस्टेबल सीताराम ने बताया कि पूरा मामला यह है कि परिवादी रमेश चंद शर्मा सूर्य नगर ब्लॉक के शिवजी मंदिर के पुजारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 जुलाई की रात को शिव मंदिर के दानपात्र को तोड़कर नकदी व सामान अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। इस पर रिपोर्ट दर्ज की गई। बढ़ती चोरियों की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए एक टीम गठित की गई। इस दौरान थाने के सब इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान दाऊदपुर शिव मंदिर के पास 2 युवक बाइक पर संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए, जिन्हें रोका गया और मौके से तलाशी ली गई तो उनके पास 48 ग्राम गांजा मिला। फिर दोनों युवकों को दस्तावेज कर पुलिस थाने लेकर आई और पूछताछ की, जिसमें सारी वारदातें कबूली गई। इधर क्या मामला है? ये है, रमेश चंद शर्मा जी हैं जो शिव मंदिर है सूर्य नगर जी ब्लॉक उसके पुजारी हैं, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी 2 तारीख की रात्रि को शिव मंदिर के दान पात्र को कोई व्यक्ति तोड़कर और उसके नकदी हो गई जो सामान था चोरी करके ले गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। कस्बे में चोरियों की वारदातों को खुलासा करने के लिए टीम मुजरिमों की तलाश कर रही थी। इस दौरान श्री धीरेन्द्र जी सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गश्त पे थे। बदमाशों की तलाम कोरू के चालानशुदा मुजरिमों की तलाश कर रहे थे। उस वक्त दाऊदपुर शिव मंदिर के पास 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए, जिनको रोका, उनको चेक किया तो उनके पास काफ़ी मात्रा में गांजा मिला। तो उनसे पूछा था कि ये गांजा कहाँ से आया, इनके पास नहीं है, तो उनको दस्तियाब करके थाने में लाया, जिनसे पूछताछ की, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर उनको बंद किया गया। क्या नाम है आरोपी? आरोपियों के नाम एक तो है विकास कुमार और एक है गोपेश। ये दोनों व्यक्ति, जो गोपेश है इसके पहले से भी चोरी और नकद देने के मुकदमे चालान हो चुके हैं, तो उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि बताया कि इन्होंने सूर्य नगर मंदिर है जी ब्लॉक है शिव मंदिर में उसमें भी चोरी करना इन्होंने स्वीकार किया। दोनों कहाँ के निवासी हैं? ये अपने ये जो विकास है ये तो है अपने शिव कॉलोनी मन्ना करोड़ के पास में, और जो गोपेश है ये भी पड़ोस की कॉलोनी पटेल नगर जो मन्ना करोड़ के पास है वहीं के रहने वाले हैं, और ये ज़्यादा करके घरों में जाकर नल फिटिंग का काम करते हैं। तो ये मौका देखकर अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, इनको आज न्यायालय में पेश करेंगे और माल जो इन्होंने चोरी किया है उसकी दस्तियाबी के प्रयास जारी है। और भी वारदात खुलने की संभावना है, इनसे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. बेहतरीन परीक्षा परिणाम, सेंटर टॉपर अंजलि चौहान 97.80%, जिले में लहराया परचम 63 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी 90% प्लस, 63 विद्यार्थी 80% प्लस। My school produced the highest number of toppers in the board exam. वर्तमान में मेरे अधीन एशियल स्कूल और कंगारू किड्स प्ले स्कूल है। बाबा श्री नारायण दास अभिनव पीजी महिला महाविद्यालय बहरोड राठ क्षेत्र में शिक्षा के
साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय। कठोर अनुशासन के बीच आपकी बेटियां रहेंगी सुरक्षित। पिछले 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरे उतरते आए हैं बीए, बीएससी, एमए, भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत में प्रवेश प्रारंभ, बीएससी अंग्रेजी माध्यम संचालित। शिक्षा के साथ साथ हम सेवा कार्यों में रहते हैं सबसे आगे। कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयां संचालित, तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। एड्रेस ओल्ड कोर्ट रोड नियर स्टेट बैंक बहरोड। अब राठ के होनहारों का फ्यूचर होगा ब्राइट, क्योंकि आपके क्षेत्र बरडोद में है ना ब्राइट फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल इन इंग्लिश मीडियम प्ले ग्रुप 2-10 CBSE पैटर्न। एडमिशन ओपन, क्वालिटी रिजल्ट का नया सूर्योदय। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां तनिष्का ने 97.17% अंक प्राप्त कर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, सैनिक स्कूल एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी और बेस्ट परिणाम। बेटियों की शिक्षा मजबूती के 500 रुपए अकाउंट में विद्यालय की तरफ से। एम प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी, लैपटॉप एवं टैबलेट जैसे पुरस्कार। डायरेक्टर संजय चौधरी, प्रिंसिपल प्रियंका चौधरी। एड्रेस कांकरा बरडोद बहरो। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।